हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले पकौड़े। ये मिक्स्ड हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्रंची और क्रिस्पी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है थोड़ी सी स्पिनच और थोड़ी सी मेथी, हरी मिर्च, आलू लिए हैं और एक प्याज लिया है। प्याज को हमने लंबा लंबा काट लेना है और आलू को छोटा छोटा, और बाकी स्पिनच और मेथी को भी काट कर। हरी मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो इट्स अप टू यू। उसमें हमने ऐड करना है बेसन। बेसन धीरे धीरे ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना है, तभी वो क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा स्पून में हमने ऑयल लिया है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, ये आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अजवाइन ली है, गरम मसाला डाला है, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और चाट मसाला डाला है। और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने डाला है इसमें चावल का आटा। हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स इस तरह से करेंगे कि सारा जो मटेरियल है वो साथ में स्टिक होना शुरू हो जाए, और पानी डालेंगे उतना ही कि वो पतला ना हो लेकिन बट स्टिकी हो जाए, साथ में सारा चिपक जाए। ये देखिए, इसको मैंने काफ़ी देर मिक्स किया है। अब हम सरसों का तेल लेंगे, उसको गर्म करेंगे, जब उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा फिर उसमें हम अपने पकौड़े जो हैं वो तलेंगे। सरसों के तेल में बहुत ही करारे बनते हैं, ये देखिए थोड़े ब्राउन होने जब शुरू हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे, किचन टॉवल पे निकालेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत जो इनमें ऑयल है वो सोख ले। ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। आप चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।